What is solar system? alaikum students and welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video we will start our next chapter that is solar system and this is our introductory topic. इसमें हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है और ये किस तरह से अराइज़ हुआ जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं कि ये इसका ओरिजिन क्या है ये कहाँ से बना और इसको बने हुए कितना टाइम हो गया तो सबसे पहले आता है कि ये तो बहुत वास्ट और बहुत ज़्यादा ओल्ड वर्जन है मतलब अगर आप देखें बिग बैंग थ्योरी को तो गलेक्सी वे सिस्टम जो है या फिर डिफरेंट मिल्की वे ग्लैक्सी है ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिग बैंग थ्योरी के बाद ओरिजिन में आया सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गलेक्सी सिस्टम सोलर सिस्टम इसका एक पार्ट है अगर सोलर सिस्टम को देख देखते हैं तो सोलर सिस्टम का जो मेजर ऑब्जेक्ट है वो सन है सन सेंटर में होता है सन के अराउंड डिफरेंट सन के अराउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं इन द सर्कुलर और अलिप्टिकल मोशन में सर्कुलर और अलिप्टिकल मोशन का मतलब है कि वो सन के अराउंड मूव कर रहे होते हैं इन अ स्पेसिफिक साइकिल उनके लिए जो साइकिल्स होते हैं उनका टाइम एक स्पेसिफाइड टाइम होता है उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स दैट आर मूविंग अराउंड द सन जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं प्लैनेट्स उनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं उनका डायमीटर डिफरेंट है उनके मूव करने का जो टाइम पीरियड है वो भी डिफरेंट है उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट है और सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसके बाद हमने देखना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स इनमें से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स इनमें से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है ओन लाइट सोर्स होता है इनका और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपना लाइट सोर्स नहीं होता फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ को देखते हैं या फिर मून को देखते हैं तो इन इनके ऊपर भी लाइट एग्जिस्ट कर रही है वो कहाँ से आ रही है वो सन से आ रही है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है सन के साम सन है उसके अराउंड जब अर्थ मूव कर रही है या मून है उसके अराउंड जब सामने आता है तो वो उसकी लाइट से लाइट को कैच करते हैं तो इस तरह से उनकी लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये क्योंकि उनकी लाइट अपनी नहीं है उसके बाद हम देखेंगे अर्थ को के अर्थ जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर फिर देखते हैं मून को मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है इन द एलिप्टिकल और स्पेसिफिक सर्कुलर मोशंस में उसके बाद अगर देखें सोलर सिस्टम को तो सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट क्या है सन सन बना है प्लाज्मा से दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसके बाद देखेंगे जो प्लैनेट्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं अब आ जाता है मिल्की वे गलेक्सी सिस्टम ये क्या है इसमें डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मून और जो सन बिग बैंग थ्योरी के बाद जो पार्टिकल्स इनके क्लस्टर्स निकल के बाहर निकले थे उससे डिफरेंट प्लान एग्जिस्ट करते हैं और वो सारा सिस्टम बनाता है एक मिल्की वे ग्लैक्सी सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे स्टेबलाइस अल्लाह हाफिज़